नमस्कार, मैं शिवानी धड़ाधड़ इस खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। ओडिशा के बालासोर जिले में हुए भीषण रेल हादसे के मामले में बाहानगा बाजार के स्टेशन मास्टर समेत 5 रेलवे कर्मचारी जांच के दायरे में हैं। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी है। इस हादसे में 288 लोगों की मौत हो गई थी और 1000 से अधिक यात्री घायल हुए थे। उन्होंने कहा कि 4 अन्य कर्मचारी सिग्नल से संबंधित काम करते हैं और इस महीने की शुरुआत से दुर्घटना के समय ड्यूटी पर थे। सीएम ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें बढ़ सकती है। अभिषेक बनर्जी को ईडी ने 13 जून को पूछताछ के लिए बुलाया है। शिक्षक भर्ती घोटाले के सिलसिले में अभिषेक से पूछताछ होनी है, लेकिन अभिषेक कह रहे हैं कि उनके पास ऐसी पूछताछ के लिए अभी वक्त नहीं है और ना ही वो किसी के गुलाम है। ऐसे में ईडी क्या करेगी, इस पर सभी की नजरें टिकी होंगी। पूछताछ में सहयोग नहीं करने के चलते ईडी उनके खिलाफ बड़ा एक्शन ले सकती है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से यूजीसी नेट जून 2023 फेज वन एग्जाम की शुरुआत आज यानी मंगलवार 13 जून से हो रही है। यूजीसी नेट जून 2023 फेज वन की परीक्षाएं 13 से 17 जून तक देश भर के विभिन्न परीक्षा सेंटर्स पर आयोजित की जाएंगी। जो उम्मीदवार इस परीक्षा में भाग लेने जा रहे हैं वो एग्जाम के लिए निर्धारित गाइडलाइंस को पहले ही अच्छी तरह से पढ़ लें ताकि एग्जाम के समय उन्हें किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। एग्जाम के लिए गाइडलाइंस यूजीसी की ओर से पहले ही तय कर दी गई है। उम्मीदवार गाइडलाइंस से संबंधित जानकारी ऑफिशियल वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in पर जाकर या इस पेज से पढ़ सकते हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने इस साल मार्च के महीने में लंदन में इंडियन हाई कमीशन के बाहर खालिस्तान समर्थकों के प्रदर्शन करने और तोड़फोड़ करने के मामले में जांच शुरू कर दी है। एनआईए ने हिंसक प्रदर्शन करने और तोड़फोड़ की कोशिश करने वालों की पहचान करने में आम लोगों की मदद मांगी है। इसके लिए एनआईए ने घटना के दिन का सीसीटीवी फुटेज भी जारी किया है। भारत नेपाल के बीच रोटी बेटी का रिश्ता है। नेपाल से लोग रोजमर्रा के सामान की खरीदारी के लिए भारतीय क्षेत्र में आते रहे हैं। अब भारत से 100 रुपए से अधिक का सामान नेपाल ले जाने पर शुल्क लगाने के साथ ही रोकटोक भी की जा रही है। बिहार के किशनगंज में तो कई नेपाली लोगों ने भारतीय सीमा में वापस आकर शुल्क के भय से सामान दुकान में लौटा दिए। अररिया, सुपौल, सीतामढ़ी, मधुबनी व वाल्मीकि नगर आदि जिलों में भी नेपाल से लगी सीमा पर यही स्थिति है। इस कारण भारतीय बाजार प्रभावित हो रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर के पूर्व सीईओ जैक डोर्सी ने बड़ा आरोप लगाया है। जैक डोर्सी का कहना है कि कृषि कानूनों के खिलाफ भारत में हुए विरोध प्रदर्शन के समय सरकार ने आलोचना करने वाले कई ट्विटर अकाउंट को ब्लॉक करने के निर्देश दिए थे। डोर्सी ने दावा किया कि भारत सरकार की तरफ से उन पर दबाव बनाया गया और ट्विटर को भारत में बंद करने की भी धमकी दी गई। दिल्ली पुलिस ने भारतीय कुश्ती महासंघ के निवर्तमान अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ महिला पहलवानों की ओर से लगाए गए यौन उत्पीड़न केस में जांच के लिए 5 देशों से मदद मांगी है। दिल्ली पुलिस ने इन 5 देशों के कुश्ती महासंघों को पत्र लिखकर वीडियो और फोटो आदि की जानकारी मांगी है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने चंद्रमा की सतह पर चंद्रयान 3 को उतारने की तैयारी कर ली है। इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने सोमवार को यहां कहा कि अगर सभी परीक्षण सफल रहे तो चंद्रमा की सतह पर उतरने के भारत के महत्वाकांक्षी मिशन चंद्रयान 3 का 12 से 19 जुलाई के बीच प्रक्षेपण किया जाएगा। इस समय को इसलिए चुना गया है क्योंकि यही वह समय है जिस दौरान ईंधन की खपत को बचाया जा सकता है। MBBS करने वाले छात्रों को अब एडमिशन की तारीख से 9 साल के भीतर कोर्स पूरा करना होगा, जबकि उन्हें फर्स्ट ईयर की परीक्षा पास करने के लिए सिर्फ 4 अवसर मिलेंगे। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने नीट का रिजल्ट जारी होने से पहले मेडिकल की पढ़ाई से संबंधित नए नियम जारी किए हैं। फ्लाइट्स के बढ़े दामों से हवाई सफर करने में लोगों के पसीने छूट रहे हैं। बताया जा रहा है कि 1 जुलाई से इंटरनेशनल ट्रैवल 20% तक और महंगा हो जाएगा। आपको बता दें कि लगातार बढ़ रहे हवाई सफर के टिकट के दामों के बाद एविएशन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को एयरलाइंस की बैठक बुलाकर उनसे एयर टिकट प्राइस की निगरानी करने को कहा गया है। हालांकि डोमेस्टिक फ्लाइट्स के रेटों में पिछले सप्ताह से कमी देखने को मिल रही है। बौद्ध धर्म और दर्शन भारत से दुनिया के तमाम देशों में पहुंचा, इस तथ्य से दुनिया के इतिहासकार वाकिफ हैं, लेकिन चीन इस कोशिश में भी जुटा है कि बौद्ध धर्म को भारतीय जड़ों से कैसे काटा जा सके। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने बौद्ध धर्म के चीनी संस्करण बनाने को लेकर अजीबोगरीब तर्क दिया है। पार्टी का कहना है कि जिस भारतीय परिवेश में बौद्ध धर्म का जन्म हुआ वहां उससे जुड़ी निशानियों को संरक्षित रखने का प्रयास नहीं किया गया। इसके बाद ही चीन ने अपना अलग बौद्ध धर्म का पालन किया और उसका विस्तार दिया। चीन का मानना है कि आज दुनिया में बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व एशिया और जापान तक फैला है। यह चीन के प्रयास से ही संभव हो सका है। भारतीय रिजर्व बैंक नियमों का पालन नहीं करने और ग्राहकों को असुविधा होने पर बैंकों और NBFC के खिलाफ कार्रवाई करता रहता है। पिछले वित्तीय वर्ष में RBI ने 8 बैंकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए लाइसेंस तक रद्द कर दिए थे। अब RBI ने बिहार राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड बैंक पटना पर रेगुलेटरी प्रावधानों प्रोविजन के उल्लंघन पर 60.20 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 70,000 युवाओं को अपॉइंटमेंट लेटर बांटे हैं। इन युवाओं को सरकार के विभिन्न विभागों में नौकरियां दी गई हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने आज सुबह 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लगभग 70,000 नवनियुक्त भर्तियों को नियुक्ति पत्र दिए हैं। राष्ट्रपति भवन में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के सदस्यों के साथ बातचीत के दौरान राष्ट्रपति मुर्मू ने शिक्षा के महत्व पर ज्यादा जोर देते हुए उन्हें प्राथमिकता देने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि आदिवासियों ने मातृभूमि और इसकी प्राकृतिक और सांस्कृतिक संपदा की रक्षा के लिए बहुत सारे बलिदान दिए हैं। साथ ही उन्होंने अन्य लोगों से सतत विकास हासिल करने के लिए उनके उदाहरण से सीखने की अपील की। सार्वजनिक क्षेत्र का पंजाब नेशनल बैंक पहला सरकारी बैंक बन गया है जिसने IVR बेस्ड UPI सॉल्यूशन UPI 123 पे को पेश किया है। बैंक की ओर से डिजिटल पेमेंट विजन 2025 के तहत कैशलेस और कार्डलेस सोसाइटी बनाने के लिए इस सेवा को शुरू किया गया है। चीन में काम कर रहे भारत के एकमात्र पत्रकार को भी चीनी सरकार ने देश छोड़ने का आदेश दे दिया है। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के पत्रकार को इसी महीने देश छोड़ने के लिए कहा गया है। बता दें कि चीन ने भारतीय पत्रकार पर चीनी पत्रकारों के साथ गलत व्यवहार करने का आरोप लगाकर उसे देश छोड़ने के लिए कहा है। बिहार में महागठबंधन की सरकार को बड़ा झटका लगा है। बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी के बेटे और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सुमन मांझी ने नीतीश मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस ने महंगे हवाई टिकट पर मोदी सरकार को घेरा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता KC वेणुगोपाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हवाई चप्पल में हवाई जहाज की यात्रा वाली बात दोहराते हुए तंज कसा कि रोजाना दिल्ली मुंबई की फ्लाइट का किराया 15,000 रुपए से ज्यादा पहुंच जा रहा है। ऐसे में उनकी बात एक तरह से क्रूर मजाक लगती है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता KC वेणुगोपाल में हवाई किराए में वृद्धि को लेकर सिंधिया के जारी बयान में दावा किया गया कि सरकार के हस्तक्षेप के बाद उड़ान की कीमतों में काफी कमी आई है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में हर रोज नए ट्रेंड्स सामने आ रहे हैं। ChatGPT के लॉन्च के बाद से पूरी दुनिया का फोकस AI टूल्स की ओर बढ़ा है। पिछले 24 घंटे में AI जगत में दो बड़ी खबरें आई हैं। अमेरिका में एक रेडियो जॉकी ने ChatGPT पर मानहानि का केस किया है क्योंकि इसने रेडियो जॉकी के खिलाफ एक फर्जी कानूनी दस्तावेज तैयार कर दिया था। वहीं दूसरी ओर टेक महिंद्रा के CEO ने ChatGPT जैसे टूल्स को बनाने की चुनौती स्वीकार की है। सकारात्मक व्यापक आर्थिक आंकड़ों और घरेलू शेयर बाजारों में मजबूती के रुख से मंगलवार को शुरुआती कारोबार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 3 पैसे बढ़कर 82.40 रुपये प्रति डॉलर पहुंच गया है। रुपया अमेरिकी मुद्रा के मुकाबले एक संकीर्ण दायरे में कारोबार कर रहा है क्योंकि निवेशक अमेरिकी मुद्रास्फीति के आंकड़ों के जारी होने के संकेतों का इंतजार कर रहे हैं जो फेडरल ओपन मार्केट कमेटी के नीतिगत रुख को प्रभावित कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले कुछ दिनों में अमेरिका की यात्रा पर जा सकते हैं। इस दौरान वो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से भी मिलेंगे। माना जा रहा है कि इस दौरान MQ-9 प्रीडेटर ड्रोन खरीदने की घोषणा हो सकती है। इसी ड्रोन से अलकायदा के सरगना अयमान अल जवाहिरी को मारा गया था। इस ड्रोन की खासियत यही है कि उसके आने जाने की खबर तक नहीं लगती जब तक वह हमला नहीं कर देता। लोन लेने पर बैंक की ओर से आवेदनकर्ता से कई दस्तावेज मांगे जाते हैं। बैंकों द्वारा इन दस्तावेजों को जब तक संभाल कर रखा जाता है जब तक लोन की अवधि पूरी नहीं हो जाती है। लेकिन कई बार देखा जाता है कि लंबे समय तक दस्तावेज बैंक के पास होने के कारण वे खो जाते हैं। इसी समस्या को देखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से कहा गया है कि अगर बैंक से किसी भी व्यक्ति के लोन से जुड़े दस्तावेज खो जाते हैं तो बैंक को उस व्यक्ति को जुर्माना देना पड़ सकता है। इससे उन सभी लोगों को बड़ी राहत मिलेगी जिन्होंने बैंक से लोन ले रखा है। साथ ही बैंक से जरूरी दस्तावेज खोने के कारण लोगों को सरकारी ऑफिसों के चक्कर लगाने से भी छुटकारा मिल जाएगा। बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह पर लगे यौन उत्पीड़न आरोपों की जांच कर रहे दिल्ली पुलिस ने 5 देशों के कुश्ती संघों को नोटिस जारी किया है। इस नोटिस के जरिए दिल्ली पुलिस ने कुश्ती संघों से CCTV फुटेज और अन्य जानकारी मांगी है। दिल्ली पुलिस इन CCTV फुटेज और जानकारियों का इस्तेमाल पहलवानों की ओर से लगाए गए आरोपों की जांच में करेगी। सऊदी क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान बिन ने 10वें अरब चीन व्यापार सम्मेलन की मेजबानी की। इस कार्यक्रम का आयोजन 11 से 12 जून 2023 के बीच अब्दुल अजीज अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र रियाद में किया गया। इस कार्यक्रम का खास मकसद था चीन और अरब देश के बीच इकोनॉमी को मद्देनजर रखते हुए बिजनेस में निवेश करना। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने कहा कि तेलंगाना क्षेत्र का गौरवशाली इतिहास रहा है और वर्तमान पीढ़ी को इसके इतिहास और संस्कृति के बारे में शिक्षित किया जाना चाहिए। तेलंगाना साहित्य दिवस के अवसर को चिन्हित करने के लिए जिसे तेलंगाना राज्य गठन दिवस समारोह के हिस्से के रूप में मनाया गया। मुख्यमंत्री ने रविवार को यहां प्रगति भवन में भारत जागृति संगठन द्वारा प्रकाशित तेलंगाना इतिहास की 5 पुस्तकों का भी अनावरण किया।
भारतीय रेलवे ने भिलाई स्टील प्लांट को इस साल 13,20,000 टन से ज्यादा रेल पटरी का ऑर्डर दिया है। वहीं साल 2022-23 में भिलाई स्टील प्लांट ने 12,53,227 टन से ज्यादा रेल पटरी की आपूर्ति की थी। भारतीय रेलवे ने पिछले साल की तुलना में इस साल 1,00,000 टन ज्यादा रेल पटरी का ऑर्डर दिया है। बीएसपी प्रबंधन के मुताबिक भारतीय रेलवे ने 2023-24 के दौरान 7,000 किलोमीटर की दूरी के लिए नए रेलवे ट्रैक बिछाने का टारगेट रखा है। रेलवे बोर्ड नई रेलवे लाइन बिछाने में इस वित्त वर्ष में 26,000 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है। वहीं गेज बदलने में 3.8 करोड़ खर्च कर सकता है। आज यानी 13 जून को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य एल्बिनिज्म को लेकर जागरूकता फैलाना है। आज के दिन दुनिया भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन कर एल्बिनिज्म को लेकर लोगों को जागरूक किया जाता है। समाज में इस रोग को लेकर कई तरह की गलत धारणा फैली हुई है। इस रोग से ग्रसित लोगों को भेदभाव सहना पड़ता है, जिसके कारण उनका जीवन तनावपूर्ण हो जाता है। यही वजह है कि इस रोग को लेकर फैले तमाम मिथ को रोकने और जागरूकता फैलाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस मनाया जाता है।